और अब खबर नई गढ़ी से मिल रही, जहां पर भाजपा नेता के घर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। वहीं इस आग में काफी सामान जलकर खाक हो गया है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि दमकल विभाग की टीम इस आग को बुझाने पहुंची है, जहां पर प्रशासन की टीम आग बुझाने का तमाम प्रयास कर रही है। नईगढ़ी थाना क्षेत्र के शिवराजपुर गांव का एक पूरा मामला है, जहां पर भाजपा नेता के घर में शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। और इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, भाजपा नेता के घर का काफी सामान इसमें जल चुका है। तो अब खबर बालाघाट से लेते हैं, जहां पर कोरोना को लेकर जिले में अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ धारा 144 भी लगा दी गई है। कलेक्टर दीपक आर्य ने आदेश जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बालाघाट में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते कलेक्टर दीपक आर्य ने धारा 144 लगा दी और आदेश जारी कर दिया है। अब सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दंतेवाड़ा महिला इनामी नक्सली ने फांसी लगाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 19 फरवरी को किया था महिला नक्सली ने सरेंडर, जिसके बाद ये फांसी लगाने का घटनाक्रम सामने आया है। डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में इसने फांसी लगाई है। वहीं महिला विश्राम कक्ष में बाथरूम में फांसी लगाई है। 3 लाख इनामी नक्सली थी कुमारी पांडे कवासी। सरेंडर के बाद पुलिस में कार्य करने की इच्छा जताई थी और अब इस मामले की जांच में पुलिस जुट गई है।